हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। आई एम विपुल सैनी, फैकल्टी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सो थ्रू दिस वीडियो सीरीज वी आर एनालाइजिंग आवर प्रीवियस ईयर यूपीपीएससी एग्जाम। तो जो प्रीवियस वीडियो थी पार्ट टू, उसमें हमने आई थिंक क्वेश्चन नंबर 35 तक कर लिया था। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो है, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग Who amongst the following called बाल गंगाधर तिलक as the father of the Indian unrest? ठीक है, देखो चार ऑप्शन है, एम के गांधी और घोष और स्टैनले वोल्पट और वैलेंटाइन किरोव। ठीक है, तो इनमें से किसने, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनको नाम दिया किसका, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का। ठीक है, तो देखो पहले आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका जो है वो है वैलेंटाइन की रोल। ठीक है, तो इन्होंने, जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उनको नाम दिया था इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में तो जानते ही हैं, ये फर्स्ट लीडर, इनको हम बोलते हैं ही वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो इनके बारे में देख लेते हैं, बीजीटी बाल गंगाधर तिलक, ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, और इनका एक नाम और भी आपने सुना होगा, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, लोकमान्य का मतलब है कि ही इज टोटली एक्सेप्टेड बाय द पीपल। लोकमान्य, लोक मतलब द पॉपुलेशन और मान्य मतलब एक्सेप्टेड। ठीक है, तो लोकमान्य का मतलब है कि इनको जो भी पॉपुलेशन थी इंडिया की, उन सब ने एक्सेप्ट कर रखा था एज अ लीडर। ठीक है, तो इसका मतलब था कि एक्सेप्टेड बाय द पीपल। ठीक है, और इनका प्रोफेशन क्या था, इनका प्रोफेशन था ये टीचर थे। ठीक है, और एडवोकेट थे, और ऑब्वियसली पॉलिटिशियन तो थे ही। ठीक है, तो किसने इनको ये बोला कि ही इज द लीडर ऑफ इंडिया इंडियन अनरेस्ट, तो आंसर बता चुका वैलेंटाइन किरोल। ठीक है, तो ये जो थे बाल गंगाधर तिलक जी, इनका जो जन्म हुआ था, ही वॉज बोर्न इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट। ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, और इनका जो एक फेमस स्लोगन था वो था कि जो स्वराज है, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो स्वराज है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और जिसको मैं लेके रहूंगा, स्वराज इज माय बर्थ राइट, बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो आजादी है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। इनका ये एक फेमस स्लोगन था। ठीक है, तो इतना जानते हैं इनके बारे में, तो क्वेश्चन समझ गए ना कि जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट की जो उपाधि थी वो किसने दी थी, वो दी थी वैलेंटाइन किरोल। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा है, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड इज, देखो एक बुक है ये जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड, तो इसके जो ऑथर थे वो कौन थे। आंसर जो है, आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इनके बारे में जानते हो ना कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनका जो कार्यकाल रहा वो रहा फ्रॉम 1950 टू 1961। ठीक है, और इन्होंने ना अपनी लाइफ में दो बुक लिखी है, एक का जो नाम है वो तो इसमें दे रखा है इंडिया डिवाइडेड, और जो दूसरा है, दूसरी इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ठीक है, तो ये दो बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी और इंडिया डिवाइडेड।
तो समझ गए ना क्वेश्चन नंबर 37। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38th क्वेश्चन है, विच प्लेस इन इंडिया वाज नोन एज, कि इंडिया में कौन सा प्लेस कहा जाता है सिराज ए हिंद। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है अजमेर, जौनपुर, आगरा, नन ऑफ द अबो। ठीक है, तो देखो सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है, जो साउथ यूपी में रहते होंगे ना तो उनको पता होगा कि जौनपुर को हम बोलते हैं सिराज ए हिंद। ठीक है, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज जौनपुर। तो क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जौनपुर के अंदर जो टॉम्स है, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, वो बहुत सारे हैं, तो उसकी वजह से इसको बोलते हैं सिराज ए हिंद। ठीक है, इसके अंदर एक जो फेमस मोनूमेंट है वो है जामी मस्जिद। ठीक है, जामी मस्जिद है इसके अंदर, जो कि एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको बोलते हैं सिराज ए हिंद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है, देखो अशोका जो थे उन्होंने काफी सारे इंस्क्रिप्शन बनाए। ठीक है, तो उन इंस्क्रिप्शन में से कौन सा इंस्क्रिप्शन ये बताता है, ये दर्शाता है क्या रिलीजियस टॉलरेंस, कौन सा इंस्क्रिप्शन दर्शाता है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो नन ऑफ द एबो है, एक है रोक एडिक्ट 12, एक है रोक एडिक्ट 10 और एक है पिलर एडिक्ट 7। ठीक है, तो देखो ये ना ऐसे नहीं पता चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, जो सबसे पहला हमारा है एडिक्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट एडिक्ट है उसमें क्या लिखा है, जो इंस्क्रिप्शन मिला ना फर्स्ट एडिक्ट का, तो उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि जो भी एनिमल को स्लट करना होता है ना, जो कि फेस्टिवल के टाइम पे या नॉन फेस्टिवल के टाइम पे जानवरों को मारते हैं ना, वो नहीं मारना चाहिए, इसके बारे में लिखा हुआ है एडिक्ट फर्स्ट में। तो एडिक्ट फर्स्ट में लिखा है प्रोहिबिटेड एनिमल स्लटर, प्रोहिबिटेड एनिमल स्लटर ड्यूरिंग फेस्टिवल, और वैसे भी जो एनिमल स्लटर है उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट एडिक्शन में लिखा है। उसके बाद बात करते हैं जो सेकंड है, सेकंड एडिक्ट है, उसमें क्या लिखा है, सेकंड एडिक्ट जो है उसमें लिखा है कि देखो उसमें किसके बारे में मेंशन है, उसमें जो हमारे सदर्न किंगडम थे ना, जैसे चालुकास हो गया, छोलास हो गया, ठीक है, सत्यापुरा हो गया, तो उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है अबाउट छोलास, पांड्यास और सत्यापुरा। ठीक है, और इसमें जो एक और चीज लिखी है वो लिखी है कि केयर फॉर मैन एंड एनिमल। ठीक है, तो एडिक्ट जो हमारा वन था उसमें लिखा था कि प्रोहिबिटेड एनिमल स्लटर ड्यूरिंग फेस्टिवल और वैसे भी। ठीक है, सेकंड जो एडिक्ट है उसमें लिखा था कि जो किसके बारे में लिखा था, जो सदर्न किंगडम है उनके बारे में लिखा था, छोलास के बारे में, पांड्यास के बारे में और सत्यपुरास के बारे में। ठीक है, और एक और चीज लिखी थी कि केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद जो एडिक्ट थर्ड था उसके बारे में कुछ खास, उसमें कुछ खास नहीं लिखा था, एडिक्ट थर्ड और फोर्थ को छोड़ देते हैं, देखो जो इंपॉर्टेंट है ना वही कवर करेंगे, उसके बाद जो आ सकते हैं एग्जाम में। एडिक्ट जो फाइव है उसमें लिखा था कि, उसमें लिखा था कि जितने भी मानव है वो सब मेरे चाइल्ड हैं, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ था एडिक्ट फाइव में। उसके बाद जो एडिक्ट सिक्स था उसमें क्या लिखा था, एडिक्ट सिक्स में लिखा था वेलफेयर मेजर, मतलब उसमें इसके बारे में बात कर रखी थी, किसके वेलफेयर के बारे में, वेलफेयर मेजर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो था वो था एडिक्ट सेवन्थ,
तो क्या ऑप्शन में सेवंथ भी है, एडिक्टिव सेवंथ? या नहीं, देखो ऑप्शन में क्या है, पिलर एडिक्ट सेवन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं रोक एडिक्ट की, कि जो पत्थरों पे लिखा था ना इन्होंने अपनी भाषा में, इन्होंने क्या किया था कि जो रोक एडिक्ट थे, रोक पर लिखा था और पिलर्स पर लिखा था, ठीक है? तो हम बात कर रहे हैं रोक एडिक्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट रोक एडिक्ट, ठीक है? तो जो रोक एडिक्ट सेवंथ है, सेवंथ में क्या लिखा था, सेवंथ में लिखा था कि टॉलरेंस फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है? इसमें लिखा था टॉलरेंस ऑफ फॉर ऑल रिलीजन। तो देखो एडिक्ट सेवंथ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन में है पिलर एडिक्ट सेवंथ, लेकिन ये लिखा हुआ था रोक एडिक्ट सेवंथ में, ठीक है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगला हमारा है एडिक्ट एट्थ। तो जो एडिक्ट एट्थ था उसमें क्या लिखा हुआ था, इसमें लिखा था यात्रा के बारे में, यात्रा टू बोध गया, ठीक है? देखो जो बिहार में प्लेस पड़ता है ना एक बोध गया, तो उसकी यात्रा के बारे में लिखा हुआ था। और इस एडिक्ट में और भी मेंशन था जो ट्री था, ठीक है, जो फेमस ट्री था बोध गया में, उसके बारे में भी मेंशन था। उसके बाद हमारा मेंशन है, बात करते हैं एडिक्ट टेंथ की, क्वेश्चन में एडिक्ट एक ऑप्शन में है ना एडिक्ट टेंथ, तो टेंथ में लिखा था, इसमें दे रखा था कि जो एडवांटेजेस हैं, जो मेरिट है किसकी, मेरिट ऑफ जो इनकी धामा पॉलिसी थी उसके बारे में लिखा हुआ था, उसकी एडवांटेजेस के बारे में लिखा हुआ था। उसके बाद जो लास्ट एडिक्ट बता रहा हूँ वो है एडिक्ट 12th, इसमें लिखा हुआ था रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है? तो देखो ऑप्शन में क्या ये गिवन है, एडिक्ट 12 जो है उसमें लिखा हुआ था, रोक एडिक्ट 12 में लिखा हुआ था रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है? और ऑप्शन में ये गिवन है, देखो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए में है रोक एडिक्ट 12, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा ए, रोक एडिक्ट 12, इसमें लिखा हुआ था किसके बारे में, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में लिखा हुआ था। और इसके अलावा किसमें लिखा हुआ था, इसके अलावा लिखा हुआ था हमारा जो रोक एडिक्ट सेवंथ है उसमें लिखा हुआ था, लेकिन जो ऑप्शन है, ऑप्शन में हमारा गिवन है पिलर एडिक्ट, ठीक है? तो ऑप्शन तो आंसर सही आंसर क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन में घुमा दिया, तो ये उसे पता होगा जिसने सब एडिक्ट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? तो क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा और आप तुक्के से इसको सही कर दो, ये तुक्के वाला आंसर नहीं है। देखो भाई ने तुक्का मार रखा, क्या लगा रखा आंसर, नन ऑफ द अबव लगा रखा, ठीक है? तो ये वही कर पाएगा जिसने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। तो आंसर समझ गए ना, आंसर हमारा है रोक एडिक्ट 12, 39th क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 हमारा है कि बाबर एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ पादशाह एट, कि बाबर जो थे उन्होंने पादशाह का टाइटल एज्यूम करा था कब, मतलब किसको हराने के बाद किया था, ठीक है? ये क्वेश्चन है। तो इन्होंने किसको हराने के बाद किया था, इन्होंने काबुल, काबुल पर जब इन्होंने काबुल के साथ युद्ध किया, काबुल को हराया, उसके बाद इन्होंने एक टाइटल एज्यूम करा जिसको बोलते हैं टाइटल ऑफ पादशाह। देखो इनका जो परिवार था ना उसमें एक दूसरा टाइटल की परंपरा चली आ रही थी, तो इन्होंने क्या किया, वो परंपरा तोड़ के एक नया ही टाइटल अपने आप को दिया जिसको बोलते हैं टाइटल ऑफ पादशाह, बादशाह की खिताबी खिताब खुद को दिया, कौन से युद्ध को विजय करने के बाद, काबुल पर विजय पाने के बाद इन्होंने ऐसा करा था, ठीक है? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41। देखो क्वेश्चन नंबर 41 भी फिर जौनपुर के बारे में है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जौनपुर, जौनपुर का फाउंडर कौन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है? तो देखो जो जौनपुर का फाउंडर है, जौनपुर का फाउंडर है फिरोज शाह तुगलक, आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने कब फाउंड किया था जौनपुर को, देखो ये जौनपुर के फाउंडर कैसे है, जो इनका निकनेम था ना, इनका निकनेम था जोहन खान, KHAN, ठीक है? जोहन खान इनका निकनेम था, तो इसी के नाम पे इन्होंने जौनपुर रख दिया था, ठीक है, JAUN, और ये जॉन खान इनका जो था निकनेम था, तो इसी के नाम पर इन्होंने फिर जौनपुर रख दिया था। और कब फाउंड हुआ था जौनपुर, जौनपुर फाउंड हुआ था
1359 में, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, जो सर जोन शोरेज पॉलिसी इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज। देखो जो जोन शोरेज थे उनकी एक पॉलिसी है, फेमस पॉलिसी है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है जोन, देखो जोन शोरेज पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ये पूरी लाइन यही है कि जोन शोरे पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। तो इसके बारे में ना देख लेते हैं कि ये नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी क्या है, क्योंकि अगर इसके बारे में थोड़ा थोड़ी सी भी डिटेल पता रहेगी ना तभी याद रख पाओगे इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। तो देखो ये पॉलिसी कब बनी, ये पॉलिसी बनी कि जो शोरे थे वो एक बार क्या हुआ, उनकी जो आर्मी थी वो फेल हो गई बंगाल में, मतलब वो बंगाल पे कब्जा करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, कब, अप्रोक्सीमेटली 1785 के आसपास। तो उसके बाद क्या करा इन्होंने, एक फॉरेन पॉलिसी लॉन्च करी जिसको बोलते हैं हम पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, ठीक है। तो ये पॉलिसी क्या बोलती है, ये पॉलिसी बोलती है कि जो कि पॉलिटिकल रूलर्स होंगे ना वो किसी दूसरे स्टेट के साथ या किसी दूसरे नेशन के साथ अलायंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये था कि देखो कोई भी अगर किसी पे हमला करता है ना, तो जिस पर हमला होने वाला है उसके जो आसपास के स्टेट हैं वो उसके साथ अलायंस करके एक बड़ी फोर्स तैयार कर लेता था। लेकिन जब जो सोरन थे वो बंगाल से हार गए थे 1785 में, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन उसको इंट्रोड्यूस किया। और इस पॉलिसी में क्या है कि आप किसी भी नेशन के साथ, अगर आप पॉलिटिकल पावर में हो तो आप किसी भी नेशन के साथ अलायंस नहीं कर सकते, अवॉइड अलायंस विद अदर नेशन, विद अदर नेशंस, ठीक है। तो ये है पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन, तो समझ गए ना पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा है द हिस्टोरियन रॉबर्ट स्वेल हैज रिटन अ बुक एंटाइटल्ड अ फॉरेन एम्पायर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एम्पायर, ठीक है। देखो जो हिस्टोरियन थे रॉबर्ट स्वेल, इन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था अ फॉरगॉटन एम्पायर, ठीक है, अ फॉरगॉटन एम्पायर। तो इस बुक में वो किस एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर जो है, आंसर है विजयनगर एम्पायर। देखो जो विजयनगर एम्पायर है ना काफी बड़ा एम्पायर था, तो लेकिन उसके बारे में ना सब भूल गए थे, तो इसीलिए जो हिस्टोरियन थे रॉबर्ट स्वेल, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अ फॉरगॉटन एम्पायर। उसमें किसके बारे में बात करी, विजयनगर एम्पायर के बारे में बात करी, ठीक है। तो देख लेते हैं हल्का सा इसके बारे में। तो किस कौन थे हिस्टोरियन कौन थे, रॉबर्ट स्वेल, ठीक है। और किस एम्पायर के बारे में इन्होंने लिखा, विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब करा था बुक में, ठीक है। तो देखो विजयनगर जो है वो कहाँ पर है, वो सदर्न इंडिया में, सदर्न पार्ट में, साउथ इंडिया में है। और जो विजयनगर एम्पायर है ना, जो विजयनगर है उसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी बुकाराया ने, इसकी खोज की थी बुकाराया ने, ठीक है। तो इसमें क्या था, जो विजयनगर एम्पायर था इसमें ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इसने क्या कर रखा था, खुद में ही एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर रखी थी, ठीक
ठीक है, एम्पायर देखो ये एम्पायर है ना, तो इसके चारों तरफ एक सेफ्टी वॉल क्रिएट कर रखी थी ताकि कोई हमला ना कर सके, ठीक है, और वॉच टावर लगा रखे थे जगह जगह ताकि देख सके कि क्या हरकत हो रही है आसपास के एरिया में, ठीक है, सिक्योरिटी वॉल बना रखी थी, और मतलब एक मैसिव कंस्ट्रक्शन था इसके अंदर, ठीक है, जिसको किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इन्होंने रॉबर्ट स्वेल ने क्या किया, इस पे बुक लिखी थी, ठीक है, तो समझ गए ना, जो विजयनगर एम्पायर है वो सदर्न इंडिया में है, इसकी जो खोज की थी वो बुक्का ने की थी, और इसके बुक लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसको भूल गए थे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन मिले थे जो कि मतलब उस टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण थे, ठीक है, तो उस वजह से बुक लिखने की जरूरत पड़ी, जो कि लिखी थी हिस्टोरियन रॉबर्ट स्वेल ने। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ डेकन वॉज कॉन्कर बाय अकबर, कि देखो जो अकबर थे उन्होंने डेकन का कौन सा किंगडम कॉन्कर किया था, कौन सा किंगडम जीत लिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स ऑफ डेकन वॉज कॉन्कर बाय अकबर, ठीक है, तो देखो जो आंसर है, आंसर पहले बता देता हूँ, आंसर है अहमदनगर, आंसर इज अहमदनगर, ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखो देखो थोड़ी स्टोरी बता दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो बहामनीज थे ना, बहामनीज किंगडम क्या हुआ, वो ब्रेकअप हो गया था, मतलब जो बहामनीज किंगडम था ना पूरा, वो टुकड़ों में टूट गया था, ठीक है, जिसमें तीन पार्ट थे, एक तो था अहमदनगर, ठीक है, एक जो था वो था विजयपुर, और तीसरा जो हमारा था वो था गोलकोंडा, ठीक है, तो ये तीनों क्या है, तीनों इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलायंस करा और तीनों आपस में एक स्टेट बन गए, ठीक है, अलायंस करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने युद्ध किया किसके साथ, विजयनगर एम्पायर के साथ, देखो क्योंकि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो विजयनगर एम्पायर था उसमें काफी सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन थे और ऐसी प्रोटेक्शन वॉल बना रखी थी कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता था, ठीक है, तो इन तीनों ने क्या किया, ये अहमदनगर ने, विजयपुर ने और गोलकोंडा ने, तीनों ने एक अलायंस करा जिससे एक स्टेट बन गए और विजयनगर जो एम्पायर था उस पर हमला कर दिया, ठीक है, तो इस जो बैटल है, फेमस बैटल है, इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीहट्टी, ठीक है, जो जगह थी उसके नाम पर है, बैटल ऑफ पानीहट्टी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अकबर ने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले जो गुजरात वाला एरिया था उसको कॉन्कर कर लिया, ठीक है, गुजरात वाले एरिया को कॉन्कर करने के बाद इसने सबसे पहले जो डेकन किंगडम था अहमदनगर, अहमदनगर को फिर इसने कॉन्कर कर लिया, ठीक है, तो जो आंसर होगा वो होगा अहमदनगर, हालांकि उसके बाद क्या हुआ कि जो अकबर थे उन्होंने जो गुजरात को कॉन्कर किया था ना उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो छूट गया था, ठीक है, तो लेकिन जो हमारा आंसर है वो होगा अहमदनगर, तो आंसर हमारा जो है क्या है, आंसर हमारा है अहमदनगर। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन, इनमें से कौन से हिस्टोरियन ने डिस्क्राइब किया शेर शाह सूरी इज अ बेटर नेशनल बिल्डर देन इवन अकबर द ग्रेट, देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये पूछ रखा है कि इन ऑप्शन में से किसने ये कहा कि जो शेर शाह सूरी थे ना वो बेटर नेशनल बिल्डर थे, मतलब जब तक वो रहे तब तक जो डेवलपमेंट हुआ नेशन में वो ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू द अकबर, ठीक है, तो देखो जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 45, पहले आंसर बता दे रहा हूँ इसका, जो आंसर है वो है आरपी त्रिपाठी, देखो ये क्वेश्चन ये भाई भी पढ़ के गया था, इसका सही है आरपी त्रिपाठी, अब देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है,
देखो, एक तो एक जो बड़ा रीजन है कि जो शेर शाह सूरी थे उनको हम बोलते हैं कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम करा। जो एक रीजन है वो है कि इन्होंने इनके टाइम पर ही प्लानिंग हुई जो, और फाउंडेशन रखा गया किसका, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना उसका, प्लानिंग एंड फाउंडेशन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, किसके टाइम पर, शेर शाह सूरी के टाइम पर, शेर शाह सूरी के टाइम पर, ठीक है। और उसके बाद एक जो दूसरी डेवलपमेंट इन्होंने की, इन्होंने क्या करा, कॉइन इशू करे, ठीक है, और वो कॉइन इशू करे कौन कौन से, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने कॉइन इशू करे। देखो जो हमारा है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये कहाँ से कहाँ तक है, देखो पहले तो ये इसको हम जानते थे NH2 के नाम पर, लेकिन अभी ये बदल गया है NH19, ठीक है। ये दिल्ली से होता हुआ, हरियाणा से होता हुआ, यूपी, बिहार, झारखंड से होता हुआ वेस्ट बंगाल तक है, ठीक है। ये इंडिया में है, उससे पहले पाकिस्तान में भी है ग्रैंड ट्रंक रोड, सेम सेम यही रोड, ठीक है। जो खैबर पास है ना वहां पर भी है वो, यहीं से खैबर पास ना में यहीं से पास हो रहा है वो, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड से। तो जो आंसर है इसका, किसने कहा था कि जो शेर शाह सूरी है वो ज्यादा बेटर डेवलप किया उन्होंने नेशन का एज कम्पेयर टू द अकबर, ये कहा RP त्रिपाठी ने, ठीक है। देखो दो मेन रीजन तो बता दिए, एक तो कि उन्होंने प्लानिंग करी और फाउंडेशन रखा किसका, ग्रैंड ट्रंक रोड का, और जो दूसरा है वो है कि कॉइन इशू करे, ठीक है। और इन्होंने कुछ रिफॉर्म भी लाए थे, जैसे कि मिलिट्री रिफॉर्म हो गया, लैंड रिफॉर्म हो गया, जुडिशियल रिफॉर्म, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, एजुकेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया था, सो प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी में भी काफी ध्यान दे देते हैं, इसलिए शेरशाह सूरी को बोलते हैं कि इनके टाइम पर ज्यादा अच्छा नेशन का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए ना, तो किसने कहा था, ये कहा था कि RP त्रिपाठी जी ने, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो दमदमा साइट है, दमदमा इज अ साइट बिलोंगिंग टू, देखो दमदमा साइट कहाँ है, हरियाणा में है, ठीक है। जो ये साइट है ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है, पैलोलिथिक पीरियड, सॉरी, ठीक है, कौन से पीरियड से बिलोंग करती है दमदमा साइट, पैलोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, कैल्कोलिथिक पीरियड या मेजोलिथिक पीरियड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पीरियड्स के बारे में देखते हैं कि जो ये चार पीरियड्स है ये क्या है, ठीक है। देखो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड्स, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मीजोलिथिक पीरियड, ठीक है। देखो जो मीजोलिथिक पीरियड है, मीजोलिथिक पीरियड ही इसका आंसर है, मीजोलिथिक पीरियड में आता है दमदमा लेक जो कि हरियाणा में है, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रखा है ना, क्वेश्चन में पूछ रखा है, हाँ यही पूछ रखा है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें और कौन कौन सी साइट आती है यूपी में, ठीक है। देखो ये जो दमदमा लेक है, देखो यूपी में एक साइट है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो भी आती है किसमें, मेसोलिथिक पीरियड में आती है। उसमें हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें जो अवशेष मिले वो बोन्स के मिले, जो हड्डियां थी वो मिली, और जो जानवरों के सींग होते हैं सींग मिले, ठीक है, तो ये सब मिले। तो ये सब किस में आता है, ये सब मिजोलिथिक पीरियड में आते हैं, ठीक है। देखो जो पीरियडिंग जो स्टार्ट है ना, वो स्टार्ट है हमारी
मीजोलिथिक पीरियड से स्टार्ट है, ठीक है। देखो नहीं, जो स्टार्टिंग है ना, सबसे जो पुराना पीरियड है वो बात करते हैं। पुराना पीरियड ये तो बता दिया, जो क्वेश्चन था उसका आंसर था ये। तो जो सबसे पहला पीरियड है वो हमारा है पैलियोलिथिक पीरियड, जो सबसे पहला पीरियड है, ठीक है। देखो जो पैलियोलिथिक पीरियड है, इसी को हम बोलते हैं कि ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज का मतलब कि जब जब हम यूज करते थे ना पत्थरों को, जो भी आदिवासी थे वो पत्थरों के सामान को यूज करते थे, मतलब पत्थरों से पहिया बनाया, और पत्थरों से ही जो वेपन्स थे ना वो स्टोन के वेपन थे। तो जो भी हम यूज करते थे, जो भी मटेरियल यूज करते थे, स्टफ यूज करते थे, ज्यादातर किससे बनाते थे? स्टोन से बनाते थे, क्योंकि तब इतना आइडिया नहीं था। तो वो एज, जिस एज में जो वेपन्स देखने को मिले, देखो साइट हमने खोद दी, साइट से क्या मिले? वेपन्स देखने को मिले। तो अगर वो वेपन स्टोन स्टोन से बने हुए थे ना, तो उसको हम बोलते हैं कि ये स्टोन एज के वेपन थे। और स्टोन एज कौन सी है? हमारी पैलोलिथिक पीरियड में आती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। और ये जो थी ये 1000 BC से भी पहले की एज थी, पहले का पीरियड था, ठीक है। अब इसके अंदर और कौन कौन सी साइट आती है? देखो इसके अंदर जो साइट आती है, पंजाब की जो शिवालिक साइट है वो आती है, शिवालिक साइट आती है, और यूपी की एक बिलन वैली साइट है वो आती है, बिलन वैली साइट। तो ये दो साइट आती है किसमें? पैलोलिथिक पीरियड में। पैलो का मत देखो, नाम से ही पता चल गया, पैलियोलिथिक। पैलियो मतलब पहले वाला, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होगा, पहले ये पीरियड था पैलियोलिथिक, उसके बाद जो दूसरा है वो हमारा है नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। नियोलिथिक नाम से ही पता चल रहा है ना, पैलियो मतलब पहले वाला, नियो मतलब नए वाला पीरियड। तो उसके बाद का जो दूसरा पीरियड था वो है हमारा नियोलिथिक पीरियड। ये कब से कब तक था? ये हमारा 7000 BC से, ठीक है, 1000 BC तक था, 7000 BC से 1000 BC तक था ये नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। और इसी पीरियड को हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, ठीक है। और इस देखो जो भी साइट मिली न्यू स्टोन एज में, उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिला? उसमें देखने को मिला कि सेटल्ड एग्रीकल्चर, सेटल्ड एग्रीकल्चर देखने को मिला, मतलब जो आदिवासी थे वो एक सेटल्ड फार्मिंग करते थे, ठीक है। मतलब जो भी फार्म लैंड थी उसको पार्ट्स में डिवाइड करके, कुछ पार्ट में इधर फार्मिंग करी, दूसरी क्रॉप फिर इधर लगाई, तीसरी क्रॉप इधर लगाई, चौथी क्रॉप इधर लगाई, मतलब एक सेटल टाइप की फार्मिंग करी। और जो इंस्ट्रूमेंट है उनके वो यूज करके फार्मिंग करते थे, ठीक है, जो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट थे उस टाइम पर। और एक और चीज देखने को मिली कि इन्होंने जो हाउस बना रखे थे ना, हाउसेस बना रखे थे, वो शेप में बना रखे थे, जैसे कि रेक्टेंगुलर शेप हो गया और सर्कुलर शेप हो गया। और इन हाउस में जो ब्रिक यूज करी थी वो मड ब्रिक यूज कर रखे थे, मड मड ब्रिक्स यूज कर रखे थे इन्होंने इसमें अपने घर बनाने में, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एज है नियोलिथिक, ये अच्छी एज थी, मतलब इसमें जो डेवलपमेंट था, जो डेवलपमेंट था वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस एज वो सही था, ठीक है। तो ये हो गया। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, देखो क्वेश्चन में अगर जो आपसे कभी भी पोटरी के बारे में पूछेगा, मतलब मिट्टी के जो बर्तन का आविष्कार हुआ वो किस एज में हुआ, तो वो इसी एज में हुआ, नियोलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, सुराई मटका जो कि यूज में लेते हैं ना, तो वो जो हमारे वेसल्स हैं, पोटरी हैं, उसका जो आविष्कार हुआ वो नियोलिथिक की एज में हुआ। तो इस एज में ये पोटरी के जो बर्तन थे वो यूज करते थे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी साइट जो मिली जहां पर पोटरी के अवशेष मिले, मतलब मिट्टी के बर्तन के अवशेष मिले, वो हमारी है कश्मीर में है, ठीक है। कश्मीर में गुफकरण और बुरजोहम, ठीक है, ये दो क्या है? ये साइट के नाम है जिस साइट की खुदाई करने पर हमें मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो कश्मीर में साइट है, कश्मीर में देखो दो साइट है ये मेन, एक गुफकरण और एक ये बुरजोहम, तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करती है? तो देखो यहाँ पर पोटरी के बर्तन मिले, और जहां पर जिस साइट पर भी पोटरी के बर्तन
जो बर्तन है वो देखने को मिलते हैं खुदाई करने के बाद, वो साइट हमारी आती है न्योलिथिक पीरियड में, न्योलिथिक एज में, ठीक है, तो समझ गए ना। उसके बाद जो थर्ड हमारी है वो है कैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, कैल्कोलिथिक पीरियड। देखो कैल्कोलिथिक पीरियड जो है उसमें मेटल का यूज होना स्टार्ट हो गया था, जैसे कि इसको हम बोलते हैं कॉपर एज, जैसे कि कॉपर के बर्तन बनाने स्टार्ट कर देते, कॉपर के जो करेंसी थी वो चलानी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये जो एज थी ये कब से कब तक थी, ये 1800 से 800 BC तक थी। तो समझ गए ना, जो कैलोलिथिक पीरियड था ये कहाँ से कहाँ तक था। और कॉपर को इसी की वजह से हम बोलते हैं कि इट इज द फर्स्ट मेटल, क्योंकि सबसे पहले जो यूज में लिया था ना वो कॉपर को यूज में लिया था, ठीक है। और देखते हैं कि जो कैलोलिथिक पीरियड है ना उसमें जो साइट्स मिली वो कौन कौन सी मिली। एक जो फेमस साइट है पंजाब में वो है मालवा रीजन, मालवा साइट, वो साइट भी बिलोंग करती है कैलोलिथिक पीरियड से। और जो दूसरी साइट है वो है कयाथा जो कि राजस्थान में है, ठीक है। जो तीसरी साइट है आराबोन कल्चर वाली, ठीक है। तो ये सब साइट्स जो है ये कैलोलिथिक पीरियड से मिली। तो उसके बाद जो लास्ट बची वो बची जो एज, देखो वो बता दी मिजो वाली एज सबसे स्टार्टिंग में बता दी, तो वहीं चलते हैं। देखो कैलोलिथिक हो गया, न्योलिथिक हो गया और पैलोलिथिक हो गया। जो लास्ट एज है ना वो है मेसोलिथिक पीरियड। अब मेसोलिथिक पीरियड ऑब्वियसली और ज्यादा डेवलपमेंट होगा इस पीरियड में। तो इस पीरियड में क्या देखने को मिला, पेंटिंग्स देखने को मिली, ठीक है। और ब्लेड का जो आविष्कार हुआ वो भी इसी एज में हुआ, कि जो वेपन यूज करते थे ना, ठीक है, उन वेपन्स में आगे की तरफ ब्लेड लगा होता था, ठीक है। तो ये सब चीज जो मेसोलिथिक पीरियड है उसमें मिली। पेंटिंग मिली, पेंटिंग करने का शौक हो गया था, और पेंटिंग मतलब जो भी रॉक एडिक्ट थे, रॉक पर पेंटिंग, पत्थरों पर, देखा होगा पत्थरों पर इंसान बना रखा है, पत्थरों पर कोई हाथी बना रखा है, ठीक है। तो ये सब जो है ये पेंटिंग जो मिली, ये जो रॉक पर लिखे हुए मिले, वर्ड्स मिले अजीब अजीब से, ये सब मिले मेसोलिथिक पीरियड में मिले, ठीक है। तो और इसमें क्या हुआ कि जो हनी फार्मिंग थी ना वो भी स्टार्ट कर दी थी। जो शहद की फार्मिंग है वो स्टार्ट कर देती है मेसोलिथिक पीरियड में, ठीक है। तो देखो चारों पीरियड के बारे में बता दिया, अब आंसर पर आते हैं अपने। जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि जो दमदमा साइट है वो किससे बिलोंग करती है। तो जो दमदमा साइट है वो बिलोंग करती है मेसोलिथिक पीरियड से, क्योंकि वहां पर हमें क्या देखने को मिला, वहां पर हमें ब्लेड मिले थे, ठीक है। जब भी साइट की खुदाई करी थी ना दमदमा साइट की, तो वहां पर ब्लेड से मिले थे। तो इसका मतलब ये जो साइट है ये कौन से पीरियड की है, ये मेसोलिथिक पीरियड की साइट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 47 है द बैटल ऑफ 10 किंग, द बैटल ऑफ 10 किंग्स एज रिफर्ड इन द ऋग्वेदा वाज फाउट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। देखो जो 10 किंग की 10 राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ, ठीक है, जो कि ऋग्वेद में बता रखा है, वो युद्ध किस रिवर के, किस नदी के किनारे हुआ, तो ये पूछ रखा है क्वेश्चन में। तो पहले आंसर बता देता हूँ, देखो किस नदी के किनारे पे हुआ ये युद्ध, ये युद्ध हमारा हुआ परुष्णी नदी के किनारे पे। तो आंसर जो है वो है परुष्णी, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या था इसमें, और जो युद्ध हुआ, जो वॉर हुई वो किस किस किंगडम के बीच में हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 47। तो ये जो युद्ध हुआ 10 राजाओं के बीच में, ये हुआ जो ऋग्वेदा था, मेन ऋग्वेद वैदिक पीरियड में हुआ, जो मतलब मिडल ऋग वैदिक पीरियड था उस टाइम पे ये युद्ध हुआ 10 राजाओं के बीच में। जिस ये किस किस के बीच में था, ये था जो पूर्व वैदिक आर्यन थे और इनके साथ ही थे,
कुछ और ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट की, इनका अलायंस था, और ये जो युद्ध हुआ ये अदर वैदिक ट्राइब, जो उस टाइम पे और वैदिक ट्राइब थी ना, अदर वैदिक ट्राइब, उस ट्राइब के साथ हुआ, ठीक है। जो पूर्व वैदिक आर्यंस हैं, पूर्व जो पूर्व किंगडम था वो मेनली किनका किंगडम था, पूर्व वैदिक आर्यन, ठीक है। और देखो हाँ, ये एज्यूम करा गया कि ये एज्यूम होता है कि ये जो युद्ध हुआ ना 10 किंगडम के बीच का, 10 राजाओं के बीच का युद्ध हुआ ना, इसी की वजह से जो कुरुक्षेत्र का लड़ाई हुई, जो महाभारत हुई, वो यहीं से जन्मा। मतलब इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर, न्यूक्लियस ऑफ क्षेत्र वॉर, मतलब जो 10 राजाओं के बीच का युद्ध हुआ, इसी की, ये माना जाता है कि इसी की वजह से जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसकी उत्पत्ति यहीं से हुई थी, ठीक है। जो पूर्व वैदिक आर्यन थे, पूर्व में कौन आते हैं, जो किंग पोरस है, ठीक है, पुरुषोत्तम जिनका नाम है, हम पुरुषोत्तम बोलते हैं, ठीक है, लेकिन जो बुक्स हैं बुक में पुरु यूज करा है, किंग पुरु, किंग पोरस, ठीक है। तो जो किंग पोरस थे, देखो फेमस किंग है, जानते होंगे आप, जो किंग पोरस थे, इन्होंने जो द ग्रेट अलेक्जेंडर था ना उसके साथ युद्ध किया था, ठीक है, जो जिसको कोई नहीं हरा पाया था। देखो अब फाइनली तो पता नहीं कि युद्ध में क्या हुआ था, लेकिन ये तो देखो सबको पता ही है कि जो पोरस, किंग पोरस थे, उन्होंने द ग्रेट अलेक्जेंडर के साथ युद्ध किया था, ठीक है। हिस्ट्री में तो ये है कि ये फिर युद्ध हार गए थे, लेकिन जो वो थे ना किंग अलेक्जेंडर थे, वो इनसे खुश हुए, इनकी महानता से खुश हुए, ठीक है, और इनको इनकी जमीन वापस दे दी और बहुत सारे राज्य दे दिए। लेकिन पता नहीं कि एक्चुअल में क्या था, लेकिन ये पता है कि इनकी वजह से, किंग पोरस की वजह से, जो ग्रेट अलेक्जेंडर थे, जिन्होंने काफी, जो कि विश्व विजय पर निकले हुए थे ना, तो उनको इंडिया में एंटर नहीं होने दिया किंग पोरस ने, ठीक है। जब वो इंडिया में एंटर करने वाले थे, जो पाकिस्तान वाला एरिया है ना, जो झेलम और चिनाब के बीच का रीजन है ना, वहां पे इनका राज्य था, तो वहां से वो अटैक करने वाले थे और भारत में एंटर करने वाले थे। तो जो किंग पोरस थे, इन्होंने युद्ध किया, और जिसकी वजह से जो फाइनल रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जो अलेक्जेंडर थे वो वापस चले गए थे, इंडिया में नहीं घुसे थे फिर, ठीक है। तो जो किंग पोरस थे ना, उनका जो राज्य था, और ये जो बैटल थी ना किंग पोरस की और द ग्रेट अलेक्जेंडर की, ये बैटल जो थी, इस फेमस बैटल है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडस पास, बैटल ऑफ हाइडस पास बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनका जो किंग पोरस का जो किंगडम था वो झेलम और चिनाब के बीच में था, पंजाब रीजन में था, झेलम और चिनाब के बीच में, ठीक है। और ये जो किंग पोरस है ना, ये किसके एंसिस्टर्स थे, मतलब कहाँ से इनका जो किंगडम था वो चला, देखो मथुरा में जो एक किंग थे, आपने सुना होगा, जो 16 महाजनपदा है ना उनमें से एक जनपद था, जो सूरसेन, सूरसेन का जो किंगडम था, जो किंग सूरसेन का किंगडम था, तो उसी किंगडम से बिलोंग करते हैं किंग पोरस, ठीक है। तो सेम है, इन्हीं इन्हीं से निकल के बने हैं ये किंग पोरस, ठीक है। तो इनका जो, देखो उसके बाद मुगल ने हमला करा ना, उसके बाद क्या हुआ कि जब हमला वगैरह हुआ मथुरा पर, तो ये पंजाब की तरफ चले गए, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने पहाड़ों में शरण ली, और जो एरिया है झेलम रिवर और चिनाब रिवर के बीच में, वहां पे जाके अपना राज्य स्थापित करा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन क्या था कि कौन सी, जो जो 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ वो कौन सी रिवर के किनारे हुआ। तो आंसर इज परुष्णी, जो नदी थी उसके किनारे पे ये युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 हमारा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन द अर्ली हड़प्पन पीरियड हैज बीन फॉर्म, कि इन चारों में से रोपड़, रोपड़ आमरी, लोथल, बनावली, ठीक है, इनमें से कौन सी साइट है जहां से वो फोर्टिफिकेशन मिले, एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन मिले, जो कि हड़प्पन पीरियड से भी पहले थे, ठीक है। तो देखो इस भाई ने ना रोपड़ आंसर लगा रखा, जो कि गलत है,
तो इसका जो सही आंसर है ना वो है बेनावली। ठीक है, देखो रोपड़ भी एक साइट है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। ठीक है, देखो मैं रोपड़ में रहता हूँ अभी, IIT रोपड़ में। और जो आपने अगर IIT रोपड़ को YouTube पे सर्च करा है या नहीं करा तो देख लेना कि जो इसके जो पिलर्स बना रखे हैं ना, जो गेट बना रखे हैं ना, इन्होंने एंट्रेंस पर चार गेट बना रखे हैं IIT रोपड़ ने। ठीक है, दो दो लेफ्ट हैंड साइड में और दो राइट हैंड साइड में, और बीच में से एंट्रेंस है। ठीक है, तो जो एक गेट है ना, एक गेट की कॉस्ट जो है वो 8 करोड़ है। अब देख लो कि चार गेट की कॉस्ट कितनी होगी। और देखो ह्यूज गेट है, और इन गेट पे क्या शो कर रखा है, इन गेट पे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो शो कर रखी है। मतलब जो रोपड़ में जितने भी एविडेंस मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो सब के सब इन्होंने उन चार गेट पर शो कर रखे हैं। काफी बड़े गेट हैं। ठीक है, एक बार देख लेना तो आप याद रखोगे हमेशा कि रोपड़ भी एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, ये बोल रहा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उससे पहले भी किस साइट पर एविडेंस मिले फोर्टिफिकेशन के। तो जो आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 48 है ना, आंसर है बेनावाली। ठीक है, और ये जो बेनावाली है ये कहाँ पर है, ये हमारा है फतेहाबाद में। फतेहाबाद है हरियाणा में, फतेहाबाद में। और ये साइट को ढूंढा किसने था, इसकी खोज की थी RS बिस्ट ने। देखो जी, मैं मानता हूं कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो साइट है फतेहाबाद वाली, बनावली साइट, ठीक है, इसकी जो खोज की वो किसने करी, वो करी RS बिस्ट ने। याद कर लेना इसको, आ सकता है ये, मुझे लग रहा है कि इस बार आ सकता है, तो ये एक बार याद कर लेना। ठीक है, आंसर है RS बिस्ट। इन्होंने की कौन सी साइट की खोज करी, बनावली की। कहाँ पर है, फरीदाबाद में, फतेहाबाद में। फतेहाबाद कहाँ है, देखो फतेहाबाद ना है तो उसमें हरियाणा में, लेकिन हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर सा ही है, बॉर्डर ही है। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल। मुगल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, मुगल्स जो थे उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी। देखो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी ना वो पर्शियन थी, इनकी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जो आंसर होगा वो होगा पर्शियन। ठीक है, देखो क्योंकि जो मुगल्स थे, जो पहला मुगल एम्पायर था ना वो क्या था, किसका था। देखो बाबर आया था सबसे पहले अफगानिस्तान से, तो जो पहला मुगल एम्पायर था ठीक है, पर्शियन क्यों थी, पर्शियन इसलिए थी कि देखो जो फर्स्ट मुगल एम्पायर था, ठीक है, बाबर का। और बाबर कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से। और जो पर्शियन लैंग्वेज है ना, पर्शियन लैंग्वेज एक टाइप की नेटिव लैंग्वेज है ईरान की। ठीक है, और ईरान में, ईरान की है। और जो अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान वाले एरिया में जो ईरानियन थे वो फैले हुए थे। ठीक है, ईरानियन काफी सारे रहते थे, तो वहां से ही अफगानिस्तान में भी पर्शियन बोलनी स्टार्ट हो गई। बाबर भी पर्शियन बोलता था। ठीक है, तो जब ये आया तो इसने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो पर्शियन ही घोषित कर दी थी। तो समझ गए ना कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल्स वॉज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी, पर्शियन थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड अबाउट द इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने संविधान का कौन सा पार्ट है जिसमें इलेक्शन के बारे में और इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहीं पे देख लेते हैं इसको। देखो आंसर बता देता हूँ, तो कौन सा पार्ट है, ये 15th पार्ट है। इसका मतलब इस भाई ने जो वो है पॉलिटी है बिल्कुल नहीं पढ़ रखी, क्योंकि इसके पॉलिटी के तो सारे ही गलत हो रखे हैं, इसने 14th लगा रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, 15th है। ठीक है, जो हमारा 15th 15th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का,
उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ कि उसमें दे रखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और ये क्या है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, जो कि इलेक्शन कराती है किस किस के, स्टेट के कराती है और सेंट्रल के कराती है, ठीक है। और देखो जो भी पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए, स्टेट लेजिस्लेटिव के हो गए, वो सब कराती है, लेकिन जो विलेज लेवल पे है, जो ग्राम पंचायत वाली इलेक्शन है ना, वो नहीं कराती है, ठीक है। उसके ऊपर वाले जो भी इलेक्शन होते हैं ना, वो सब कराती है ईसीआई, ठीक है। और ये जो इस्टेब्लिश हुई ना, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई वो ही 25 जनवरी 1950 को हुई। देखो याद रख लेना कि एस्टेब्लिशमेंट ईयर, हाँ एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रखा था, अभी याद नहीं मुझे कि कौन सा पेपर था, लेकिन एक पेपर में एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रखा था, ईसीआई का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रखा था। तो सिंपल आंसर है, याद रखना 25 जनवरी 1950, ठीक है। देखो ये काम कैसे करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि ये जो है कमीशन, इसके अंदर एक तो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और इसके अंडर क्या होते हैं, इसके अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इन तीनों की एक टीम होती है। ऊपर तो होता है हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अंडर दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। फिर उसके अंडर जो भी आईएएस रैंक के ऑफिसर होते हैं ना, वो होते हैं और वो ही इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 15। तो आज की जो वीडियो है, देखो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्वेश्चन नंबर 50 तक हम इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद 3 वीडियो लेक्चर लेंगे जिसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना वो हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 तक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 से लेके जितने भी होंगे 15-20 क्वेश्चन, ठीक है, 70 तक होंगे या 65 तक होंगे, वो सब अगली वीडियो लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। मतलब 3 वीडियो लेक्चर और आएंगे जिसमें हम पूरा पेपर का अच्छी तरह एनालाइज कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो देखना, अगर आप आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना चाहते हो पूरी डिटेल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपका कोई दोस्त यूपीपीएससी ए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे भी शेयर कर देना, क्योंकि भाई देख लो कि अब लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन है ना, वो पूरी कंट्री की बदलने वाली है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।